जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपन करना हर कोई चाहता है कि हम जो है घर बैठे जो है जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपन कर सकें और जो अकाउंट को ऑपरेट भी कर सकें, जिसके साथ हमें जो है डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह सारी फैसिलिटी मिल जाएँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो है आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि जो है कोई ऐसी बैंक बताइए जिसमें हम ऑनलाइन जो है अपना अकाउंट भी ओपन कर सकें, मोबाइल बैंकिंग वगैरह भी हमें मिल सके और जहाँ पे डेबिट कार्ड वगैरह भी देखने को मिल जाए। और कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए थे कि कोई ऐसी बैंक बताइए जहाँ पर हमें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा देखने को मिल जाए, जहाँ पर हम अगर अपना डिपॉजिट रखते हैं तो वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो अच्छा और मैक्सिमम देखने को मिल जाए। तो आप सभी के उन सारे कमेंट्सों का एक रिजल्ट मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, फिनकेयर बैंक का। जी हाँ, इस बैंक में आप जो है ऑनलाइन अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे जो है अपने अकाउंट में अगर बैलेंस को डिपॉजिट करके छोड़ते हैं तो वहाँ पे जो है आपको 7% तक का आपको इंटरेस्ट वहाँ पे मिल जाता है, और अगर FD में कन्वर्ट करते हैं तो 9.5 यानी 9.5% तक का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। साथ ही बात करें मोबाइल बैंकिंग वगैरह की तो वो भी आपको मिलेगी, यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग भी मिलेगी आपको। डेबिट कार्ड की बात करें डेबिट कार्ड भी मिलेगा, यानी कि फैसिलिटी जो भी होती है वो आपको सारी मिल जाएंगी। और यहाँ पे जो है आप ऑनलाइन जो है अकाउंट ओपन कर पाएंगे, अकाउंट नंबर भी आपको तुरंत मिल जाएगा, कस्टमर आईडी वगैरह भी आपको तुरंत मिल जाएगी और आप जो है मोबाइल बैंकिंग वगैरह भी यूज कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जो है फिनकेयर बैंक के अकाउंट को ओपन करके देखेंगे कि ऑनलाइन जो है हम इसे कैसे ओपन करेंगे और जो है यहाँ पे हमें क्या क्या सर्विसें देखने को मिलेगी, तो सारा कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन इस अकाउंट को ओपन करने के लिए हम आपको बता दें ये मोबाइल एप्लीकेशन से आप ओपन नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको जो है ब्राउजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अकाउंट ओपन कर लीजिए ब्राउजर के थ्रू, उसके बाद जो है इसका प्ले स्टोर पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। फिनकेयर डालेंगे प्ले स्टोर पे तो वहाँ पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसमें आप जो अपनी मोबाइल बैंकिंग लॉगिन करके बैंकिंग सर्विस जो है यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है डेबिट कार्ड वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से देखते हैं अकाउंट को ओपन करके कि हम कैसे ओपन कर सकते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना, अपना गूगल क्रोम ब्राउजर जो है ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है फिनकेयर। फिनकेयर डाल के जब आप सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहला लिंक मिल जाएगा fincarebank.com का, इसको आपको क्लिक कर लेना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आ जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी। इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और आपको हमारी वेबसाइट mysmartpoint.in पे भी जो है मिल जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको स्क्रॉलिंग दिख रही होगी, यहाँ पे लोन वगैरह के ये सब कुछ जो है प्रोडक्ट दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको ये एरो बना, इस पर एक बार क्लिक करना और यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेविंग बैंक अकाउंट का। तो यहाँ पे देखिए सेविंग अकाउंट आ गया, इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो है नाउ मोर आ रहा है और इस पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि इस अकाउंट में आपको जो है मैक्सिमम जो है 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। इसके बाद जो है नीचे आएंगे तो सेविंग अकाउंट के भी इनके और सारे प्रोडक्ट हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, जैसे कि स्क्रॉलिंग हो रहे हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग से मैं आपको दिखा देता हूँ, स्मार्ट सेवर अकाउंट है, दूसरा प्रायोरिटी अकाउंट है, तीसरा जो है प्रायोरिटी प्लस अकाउंट है, उसके बाद जो है प्रो प्रायोरिटी है, उसके बाद जो है 101 फर्स्ट है, उसके बाद जो है 101 प्रायोरिटी है और उसके बाद जो है BSBDA अकाउंट है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 101 फर्स्ट जो है केवल इस पर क्लिक करना है, ओनली 101 फर्स्ट, ये आप गौर से देख लीजिए, इस वाले पे हमें क्लिक करना है। और नाउ मोर पे करेंगे तो आपको दिखा देगा यहाँ पे इस अकाउंट में आपको क्या क्या मिल जाएगा। तो चलिए हम एक बारी आपको दिखा देते हैं नाउ मोर पे क्लिक करके कि इसमें हमें जो है क्या क्या मिलने वाला है, क्योंकि अप्लाई करने से पहले सब कुछ जान लेना चाहिए कि हमें इस अकाउंट में क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ दिया है ये अकाउंट आप 5 मिनट के अंदर ओपन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है इसकी सारी चीज़ें आपको दिखाई दे जाएंगी, यहाँ पे जीरो बैलेंस अकाउंट के साथ साथ में और आपको क्या मिलने वाला है। यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे नीचे आएंगे देख सकते हैं इस तरीके से आपको जो है डेबिट कार्ड मिल जाएगा जो रुपए क्लासिक होगा, और उसके बाद जो है और अगर आप ज़्यादा देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं सारा कुछ नहीं दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे सारा कुछ दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे ऊपर आ गए और ऊपर आने के बाद यहाँ पे अप्लाई नाउ है, येलो कलर से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो है एक अप्लाई नाउ का लिंक है, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। अप्लाई नाउ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो है अकाउंट ओपनिंग का टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा और हम जो है यहाँ पे इस पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे फिक्स्ड डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको दिखाया गया है जो कि 9.5% है। और इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे ओपन 101 अकाउंट आ रहा, तो इस पर हमें जो है क्लिक कर लेना है। ओपन 101 अकाउंट पे हमने क्लिक किया है तो हम अकाउंट ओपनिंग वाली साइट पे आ जाएंगे।
यहाँ पे हमारी टाइमिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे टाइमिंग स्टार्ट हो गई। सबसे पहले हमें जो है यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है, जो भी बैंक अकाउंट में हमें रजिस्टर्ड करना है, और इसके ऊपर आपको दिख जाएगा यहाँ पे 7% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। जीरो बैलेंस का अकाउंट है ये, और यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग भी आपको साथ में मिल जाएगी। चलिए हम सबसे पहले मोबाइल नंबर एंटर करते हैं। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद इसके आगे वेरीफाई का लिंक दिख रहा है, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास जो है एक OTP भेज दिया जाएगा इसी नंबर पे। जो OTP हमें जो है इन बॉक्सों में डालना है, जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको दिख रहा है। देखिए मेरे पास OTP आ गया है, मैंने यहाँ पे OTP फिल कर दिया है। इसके बाद जो वेरीफाई है तो वेरीफाई पे हमें क्लिक कर लेना है। वेरीफाई पे हम क्लिक करेंगे और थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे तो यहाँ पे वेरीफाई जो रेड कलर से था वो देखिए ग्रीन कलर से हो गया है। अब इसके नीचे हमें जो है अपना एक ईमेल एड्रेस देना है, और उसके बाद जो है यहाँ पे पैन नंबर देना है। चलिए हम ये डिटेल जो है यहाँ पे फिल कर देते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है EKYC के लिए बताया जा रहा है। तो EKYC आप जानते ही, आप जो आधार नंबर देंगे उसके साथ जो है आपका कोई भी जो है मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि जो भी OTP आएगा वो उसी नंबर पे आएगा। अगर आपका आधार कार्ड के साथ में मोबाइल नंबर कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है तो आप ये अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है तो आप एग्री पे क्लिक कर लीजिए। तो मैं एग्री पे क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाएंगे, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। आप OTP कहाँ पे मंगाना चाह रहे हैं, इसके पूछने का मतलब है आप अपना OTP ईमेल आईडी पे लेंगे या मोबाइल नंबर पे। क्योंकि हमारा अगर ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है तो हम ईमेल आईडी पे भी ले सकते हैं, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो मोबाइल नंबर पे भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल मोबाइल पे ही रहने देंगे। अगर आप ईमेल आईडी पे लेना चाह रहे हैं तो नीचे आधार रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, इस पर क्लिक कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे जो अपना आधार नंबर पहले तो एंटर कर देता हूँ। आधार नंबर एंटर करने के बाद आगे आएगा वेरीफाई, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके नंबर पे एक OTP जाएगा। तो यहाँ पे जो है जो भी नंबर आपका रजिस्टर्ड है आधार कार्ड के साथ में उस पर देख लीजिए OTP गया होगा। लास्ट की 4 डिजिट आपको यहाँ पे दिख रही हैं। तो हमारे पास OTP आ गया, हम यहाँ पे एंटर करेंगे। OTP एंटर करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई भी क्लिक करेंगे। वेरीफाई भी क्लिक करने के बाद यहाँ पे आगे बढ़ेगा ये नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और जहाँ पे आपके आधार कार्ड की सारी डिटेल जो है आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। जहाँ पे आपका फोटो होगा, नाम होगा, सारा कुछ जो है आप यहाँ पे अपना रिव्यू कर लीजिए। सब कुछ जो है आपका आधार कार्ड से डेटा यहाँ पे उठ के आ जाएगा। इसके बाद जो है आपको नीचे आके सीधा जो है कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, एक तो यहाँ पे सेल्फी लेने के लिए मिलेगा और जो है एक सिग्नेचर ऐड करने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपको ये कंप्लीट करने हैं। एक में पहले वाले में आपको फोटो देना है और दूसरे वाले में आपको सिग्नेचर देने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फोटो ऐड करेंगे, टेक योर सेल्फी लिखा है इस पर हम क्लिक करेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पे फोटो एक ले लिया, ओके करेंगे। इसके बाद जो सिग्नेचर लेना है यहाँ पे, सिग्नेचर के लिए ऐड सिग्नेचर इमेज का है इस पर क्लिक करेंगे नीचे वाले पे। और यहाँ पे आप जो है अपनी गैलरी वगैरह में है तो वहाँ से भी ले सकते हैं, फोटो भी ले सकते हैं। तो मैं ब्राउज पे क्लिक करके जो है गैलरी से उठा लेता हूँ। सिग्नेचर भी हो गए हमारे यहाँ पे, ये देख सकते हैं सिग्नेचर आ गए। अब इसके बाद जो है कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे जो है कुछ आपको प्रोफाइल से रिलेटेड डिटेल देनी है, जैसे कि मैरिटल स्टेटस आपको देना है, यहाँ पे आपने मैरिड वगैरह कर रखी है कि नहीं, जैसा भी है आप यहाँ पे जो है दे दीजिए। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ये पूरा फॉर्म फिल कर लेना है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे सारा कुछ भर दिया। अब इसके बाद जो है कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए 101 फर्स्ट का आ रहा है और नीचे 101 प्रायोरिटी का आ रहा है। तो यहाँ पे जो है आपको मैंने पहले ही बता दिया है, यहाँ पे 101 फर्स्ट वाला ओपन करना है। अगर आप जीरो बैलेंस में ओपन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जीरो बैलेंस अकाउंट IMPS NEFT RTGS की सर्विस आपको मिल जाएगी। गोल्ड डेबिट कार्ड यहाँ पे मिल जाएगा आपको, तो ये बढ़िया है हमारे लिए। और ज़्यादा जानना चाहें तो नाउ मोर पे क्लिक करके आप जो है सारी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं, अकाउंट ओपन करने से पहले भी देख सकते हैं, और अगर यहाँ तक आ चुके हैं तो यहाँ पे भी जो है नाउ मोर का दिया है यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है सिंपल सा बाई डिफॉल्ट में सिलेक्ट है 101 फर्स्ट इसी पे रहने देंगे, क्योंकि नीचे वाला अगर हम करेंगे तो ये जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं रहेगा हमारा, हम खोल रहे हैं जीरो बैलेंस में। तो यहाँ पे 101 पे ही हम रहने देंगे और नीचे आएंगे और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल आपसे पूछी जाएगी। आप जो है नॉमिनी अभी बनाना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है, बाद में भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। चलिए हम स्टार्टिंग में ही बना दे रहे हैं। यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे तो नॉमिनी की डिटेल जो है यहाँ पे नीचे फिल करने के लिए आ जाएगी। अगर आप बाद में बनाना चाहें तो नो पे कर देना, बाद में भी आप बना सकते हैं। चलिए हम नॉमिनी की सारी डिटेल यहाँ पे फिल कर देते हैं, जैसे कि नॉमिनी का नाम हुआ, रिलेशनशिप हुआ, एड्रेस हुआ, डेट ऑफ बर्थ हुई, ये सारा कुछ हम भर के अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। सारी डिटेल हमने फिल कर ली है, इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे।
कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है टर्म कंडीशन का एक पेज आएगा, जिसे आपको ऊपर इस तरीके से स्क्रॉल कर देना है और स्क्रॉल करके सबसे नीचे आएंगे तो एग्री का मिलेगा, तो एग्री पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे एग्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक एरर आ गया कोविड 19 अलर्ट करके। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, एरर आ रहा आ जाने दीजिए। इसके बाद देखिए एक सॉरी करके मैसेज आ गया है, यहाँ पे इसे ओके कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा यहाँ पे अकाउंट ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आपने देखा एक एरर आया था, लेकिन एरर आ गया कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हमारा अकाउंट ओपन हो चुका है। एरर तो आया था, मैंने भी देखा था, लेकिन कभी कभी क्या होता है ऐसा एरर आ जाता है लास्ट स्टेप पे। तो यहाँ पे क्या करना, आपको अपने मैसेज बॉक्स में चले जाइए, जो भी आपने नंबर यहाँ पे डाला था। तो हम SMS बॉक्स में आते हैं, तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं हमारा अकाउंट नंबर यहाँ पे आ चुका है, साफ साफ आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं फालतू के मैसेज ये पहले हटा देता हूँ यहाँ से। सबसे पहला मैसेज आप देख सकते हैं, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंशियल बैंक वेलकम यू द वर्ल्ड स्मार्ट बैंकिंग कस्टमर आईडी, ये आ गई है। और नीचे वाले मैसेज में देखिए आपका अकाउंट नंबर है, सारा कुछ जो है यहाँ पे मिल गया है। सबसे नीचे आपको मोबाइल बैंकिंग की सर्विस भी इनेबल कर दी गई है। तो यहाँ पे जो है हमारा अकाउंट ओपन हो चुका है, अकाउंट नंबर आ चुका है। क्योंकि कभी कभी लास्ट स्टेप पे जाके जो है अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, इस वजह से जो वहाँ पे जैसे मेरे में अभी एरर आ गया था, लेकिन यहाँ पे एरर आने के बावजूद भी हमारा जो है अकाउंट ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे जो है हमने पूरा अकाउंट आपको ओपन करके दिखा दिया है। लास्ट में थोड़ा सा एरर आया था, ये एरर आपके सामने भी आ सकता है, क्योंकि कभी कभी इस साइड पे एरर आ जाता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है एरर आने के बावजूद भी हमारे पास मैसेज आ गया है, कस्टमर आईडी भी मिल गई है, अकाउंट नंबर भी मिल चुका है हमें। अब जो अगले वीडियो में हम आपको मोबाइल बैंकिंग भी इसकी एक्टिवेट करके दिखा देंगे, और उसके बाद आप जिस टॉपिक को लेकर कमेंट करेंगे फिनकेयर बैंक से रिलेटेड, तो हम उस टॉपिक पे जो है आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। तो फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में उम्मीद करूंगा आप सीख गए होंगे कि फिनकेयर बैंक में हम जो अपना ऑनलाइन घर बैठे कैसे जो अकाउंट ओपन कर सकेंगे। यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड हो गए आपके, जो कि बहुत ही कम जगह देखने को मिलता है, क्योंकि ऑनलाइन तो अकाउंट ओपन हो जाते हैं लेकिन सिग्नेचर कहीं अपलोड नहीं होते थे, लेकिन यहाँ पे जो है सिग्नेचर भी आपके जो है अपलोड हो चुके हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो की जानकारी सही लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और ऐसे ही बैंकिंग से जुड़े वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, साथ में बेल आइकॉन आएगा उसे भी दबा देना, जिससे कि हमारे अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे, जिससे कि आप वो वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।